वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या थर्ड पार्टी से। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए रहेगी, टाइमलेस रहेगी। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट कर सकता है। और ये रीडिंग जनरल है, सभी के साथ तो मैच नहीं कर सकती है, लेकिन इसमें सभी के लिए कुछ कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, क्योंकि मैं इंट्यूटिव मैसेज प्रोवाइड करती हूँ, चैनल मैसेज प्रोवाइड करती हूँ रीडिंग के दौरान। तो चलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं थर्ड पार्टी से। लेट्स चेक हियर। ओके, एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई करते हैं इन सभी कार्ड्स को। पेज ऑफ वैंड्स। काफी केओटिक एनर्जी है। किंग ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ कार्ड। काफी कार्ड आज गिर रहे हैं मेरे हाथों से, तभी मैं कह रही हूं कि काफी केओटिक एनर्जी है। स्ट्रेंथ को भी क्लैरिफाई करते हैं। ओके, टावर, एनर्जी ऑफ डेक है द हाई प्रिस्टेस। सी व्यूअर्स, हाई प्रिस्टेस, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या थर्ड पार्टी से। पहली बात तो मुझे व्यूअर्स ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन से कोई जा चुका है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन चले गए हैं, आप लोगों से सेपरेशन करके, हो सकता है आपको ब्लॉक किया हो, आपसे बात ना कर रहे हों, आपसे दूर हो गए हैं। वो फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है आप में, और इमोशनल डिस्टेंस भी लग रहा है मुझे। लेकिन गाइज, वो जो भी थर्ड पार्टी है ना, अब वो आपके पर्सन की लाइफ से जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन को वो चीज़ सर्व नहीं कर रही थी। आपके पर्सन को वो चीज़ यू नो जो डिज़र्व कर, जो वो सोच रहे थे कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे यहाँ से कितना प्यार मिलेगा, कितनी ज़्यादा अफेक्शन मिलेगी, कितना मुझे यहाँ से यू नो सर्व होगा सब कुछ, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो थर्ड पार्टी जाने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी भी जो भी है वो डिसअपॉइंट होने वाली है काफ़ी। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का जो झुकाव है, जो खिंचाव है, वो आपकी तरफ थोड़ा ज़्यादा है, थर्ड पार्टी की तरफ इतना नहीं है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके साथ जो उनका रिश्ता है वो थोड़ा स्टेबिलिटी वाला है। आपके साथ उन्हें सुकून महसूस होता है, अपनापन, एक परिवार वाली फीलिंग, ऐसा कोई जो अपना हो ऐसा लगता है उनको, जिससे जिसके साथ आप कंफर्टेबली बात कर सकते हो, ऐसा फील करते हैं वो आपको। यू नो मैरिज मटेरियल की तरह भी देखते हैं, जैसे आप हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं, आपके साथ फ्यूचर को सोचा जा सकता है, आपके साथ फ्यूचर बनाया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर आपके जो थर्ड पार्टी हैं, अगर वो कोई उनकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कार्मिक पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ है, तो जहाँ तक है उनसे थोड़ा उनका बस फिजिकल अट्रैक्शन था, मुझे ऐसा लग रहा है। पैशनेट एनर्जी थी उनके साथ, उन आपके पर्सन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो भी हुआ थर्ड पार्टी के साथ, वो पैशनेट और इंटीमेसी और सेक्सुअल एनर्जी की वजह से हुआ। वहाँ प्यार नहीं था इतना, अट्रैक्शन ज़्यादा था। और अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी फैमिली है या कोई और है, जैसे कि अगर कोई पार्टनर नहीं है, कोई और है थर्ड पार्टी, तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ जो उनको यू नो एडजस्ट करना पड़ा, फैमिली की बातों के साथ एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि फैमिली काफ़ी डोमिनेटिंग थी, काफ़ी पावरफुल थी स्टार्टिंग से, काफ़ी कंट्रोलिंग टाइप की फैमिली रही होगी आपके पर्सन की, काफ़ी डोमिनेटिंग, काफ़ी पावरफुल रहे होंगे। और कास्टिज्म में, इस सब में बहुत मानते होंगे कि ये जाति पाति, ये सब बातों में बहुत मानते होंगे, तो काफ़ी डोमिनेशन रहा होगा परिवार का आपके पर्सन के ऊपर। और नहीं तो अगर ये कोई पार्टनर हैं, तो आपके पर्सन के साथ उनका सेक्शुअल और यू नो इंटीमेसी वाला अट्रैक्शन था, कोई प्यार नहीं था, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। पर यहाँ गाइज, वहीं व्यूअर्स, आपके पर्सन जो हैं आपके साथ हीलिंग फील करते हैं, उन्हें लगता है कि आपके साथ रहकर वो हील हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, आपके साथ उन्हें काफ़ी नर्चरिंग वाइब मिलती है। यू नो आपका उनसे बात करना, आपकी प्रेजेंस होना ही उनको काफ़ी हील करता है।
ठीक है, आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी प्रेजेंस आपके पर्सन को काफ़ी हील करती है, आपके पर्सन को काफ़ी रिलैक्स फील कराती है। जैसे देखिए ये एंजल है और एक ऐसे इस लाइन को यू नो हील कर रही है, प्यार कर रही है, नर्चर कर रही है। तो ऐसे ही आपके पर्सन आपको समझते हैं इस एंजल की तरह, जहाँ वो लाइन की तरह हैं। अब आप वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ओके, यहीं पर मुझे लग रहा है कि कई गाइस कई बार आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कई बार आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया, बिकॉज ऑफ वो थोड़े प्राउडी हैं, थोड़े उनको घमंड है, थोड़ा एटीट्यूड है, उन्हें हर चीज़ में लगता है कि मैं पहले क्यों झुकूं। चाहे वो अंदर से जानते होंगे कि उनकी गलती थी, लेकिन फिर भी वो पहले से स्टेप लेकर झुकना नहीं चाहते हैं, इस तरीके का उनका बिहेवियर होगा। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी का मुझे लग रहा है गाइस कि अब ज़्यादा समय तक थर्ड पार्टी का चलने वाला है नहीं। ये वो टावर है, ये वो बिल्डिंग है जो गिरने के लिए ही बनी थी, जिसकी फाउंडेशन ही रॉन्ग थी, तो वो गिरेगी ही ऑब्वियसली। वहीं आपके पर्सन आपको काफ़ी स्टेबल एनर्जी में देख रहे हैं, आपको काफ़ी स्टेबल, इमोशनली स्टेबल देख रहे हैं। वहीं थर्ड पार्टी इमोशनली काफ़ी क्रैक्ड अप लग रही हैं या लग रहे हैं, जो भी हैं, फैमिली भी हो सकती है। थर्ड पार्टी का काफ़ी क्योटिक सिचुएशन चल रहा है, लेकिन वहीं आपके पर्सन आपको देख रहे हैं तो आप काफ़ी स्टेबल, समझदार, मैच्योर और काफ़ी कंट्रोल्ड दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, आपकी तरफ और ज़्यादा वापस लौट के आना चाह रहे हैं। तो ये है इनकी एनर्जी आपके पर्सन की व्यूवर्स। चलिए कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन के। ओके, हमने मैसेजेस लिए हैं, चलिए चेक करते हैं। तुमको भी पेशेंस नहीं है। तो गाइस कई बार ऐसा होगा कि आपके पर्सन ने आपको बोला होगा कि कमिटमेंट मिलेगा, मैं आपसे शादी करूंगा या मैं इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए, मुझे अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को डील करना है, अपने कार्मिक पार्टनर्स जो हैं उनको उनको डील करना है, जो फैमिली डोमिनेट करती है, प्रेशराइज करती है, उनको डील करना है। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप में भी पेशेंस नहीं है, आपको भी सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। ठीक है, यू केम क्लोजर देन एनी वन, यानी कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरे जितने पास आ चुके हो, इतना पास कभी मेरे कोई भी नहीं आया, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं आई लाइड मैनी टाइम्स, आई एम सॉरी। मैंने कहा ना कि वो सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उनको रियलाइज हो जाता है कि चाहे उनकी गलती हो, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैंने तुमसे कई बार झूठ बोला है, मैंने तुमसे कई बार झूठ बोला, इसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। लेकिन वो कहते नहीं हैं आपसे आके, वो फील ज़रूर करते हैं पर झुकते नहीं हैं आपके आगे। मैसेज आया है इट्स नॉट लव, इट इज़ मोर देन दैट। कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच प्यार नहीं है, ऐसी कोई सिर्फ यही परेशानी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं कि ये मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते, यही प्रॉब्लम है शायद। लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ प्यार की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ और भी प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व हों, उनके बच्चे हों, उनकी फैमिली हो, यू नो काफ़ी सोसाइटी प्रेशर हो, चीज़ें हों उनके पास, तो इस तरीके का लग रहा है यहाँ पर कि सिर्फ प्यार ही प्रॉब्लम नहीं है, कि प्यार है कि नहीं, सिर्फ यही बात प्रॉब्लम नहीं बन रही है। हम यहाँ से भी कुछ मैसेजेस लेते हैं ताकि रीडिंग थोड़ी सी और क्लैरिफाई हो जाए। ओके, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, फॉलिंग इन योर सोलमेट। गाइज यहाँ बहुत अच्छे कार्ड्स अनफोल्ड हुए थे मेरे आगे, मैंने इन कार्ड्स को पिक किया है। सी पहला कार्ड है केमिस्ट्री का, जो बताता है देर इज़ अ स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। मैंने कहा था कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं जो थर्ड पार्टी की तरफ नहीं करते, उन्हें आपके साथ एक केमिस्ट्री, एक बॉन्ड, एक अट्रैक्शन फील होता है आपके साथ। रिश्ते में जो स्पार्क है, जो चार्म है आप लोगों का, वो आपके पर्सन के ऊपर से अभी हटा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फिर अट्रैक्शन आया है, यहाँ भी अट्रैक्शन लिखा था। केमिस्ट्री होगी जहाँ, वहाँ तो अट्रैक्शन होगा ही, जहाँ आपके पर्सन खिंचाव महसूस करेंगे वहाँ तो अट्रैक्शन होगा ही, तो वो हाईली अट्रैक्टेड हैं आपसे। मैं बताऊँगा इस क्यों अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, इसीलिए अट्रैक्टिव हैं। आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर चुके हैं, आपने अपने इमोशंस को बहाना बंद कर दिया है, ओवर एग्रेसिव, ओवर क्राइंग, ओवर यू नो थिंकिंग, ये सब आपने कम की है और आपने अपने आप को स्टेबल बनाया है, तभी वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी देखते हैं कि आप कोई स्टेबल पर्सन हो जिसके साथ फ्यूचर देखा जा सकता है। इसीलिए अब वो आपकी तरफ और अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को स्टेबल बना रहे हो। गाइज ये एडवाइस सबके लिए है, जब जब आप अपने जब जब आप अपने आप को स्टेबल रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, तब तब आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब भी आप क्रेव करेंगे, नीडी एनर्जी में आ जाएंगे, रोएंगे, चेस करेंगे,
तो आप उस चीज़ को अपने आप से दूर भगा देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो गाइज आपके पर्सन को लगता है कि आप ही उनके सोलमेट हो, ठीक है, और वो आपको आपको अपने लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, तो ये सब बातें हैं उनकी तरफ से, और वो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस देते हैं। ओके व्यूअर्स, तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको समझ आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।